हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेरी टॉप 20 फिल्में, टॉप 20 फिल्म्स ऑफ 2013। कौन सी 20 फिल्में मुझे सबसे बेहतरीन लगी, तो नंबर 20 में मैं रखना चाहूँगा धूम 3 को। धूम 3 पिक्चर बहुत अच्छी तो नहीं थी, पर अच्छी थी क्योंकि जो इतना अच्छा सिनेमाटोग्राफी, जो प्रोडक्शन वैल्यू, जो ग्रैंड लुक जो पिक्चर का था, जो स्टंट्स, जो VFX, जो भी एक्शन थे, इंडिया में पहली बार ऐसे देखे थे, फर्स्ट टाइम था इंडिया में, इतना अच्छा कभी देखा नहीं था। और उन सब रीजंस के कारण, और पिक्चर भी थोड़ी बहुत अच्छी थी, तो उसके कारण 20 नंबर पे धूम 3। 19 नंबर में मैं तीन पिक्चरों को रखना चाहूँगा जो मुझे अच्छी लगी, रांझना, कायपोचे और शुद्धदेसी रोमांस। रांझना बहुत अच्छी फिल्म थी, लव स्टोरी, एक आदमी प्यार कर रहा है, दूसरी प्यार नहीं कर रही, तब भी दिल को छूने वाली मूवी। कायपोचे एक चेतन भगत के नॉवल पे थी, बहुत रियल एक्टिंग करी तीनों लड़कों ने, और काफ़ी अच्छा डायरेक्शन था सोरोकन वाले डायरेक्टर का, वो भी अच्छी पिक्चर लगी मुझे। और शुद्धदेसी रोमांस भी सुशांत सिंह राजपूत और परिणीति और सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, ऋषि कपूर की रियल लाइफ मूवी थी कि जयपुर जैसे शहर में भी लिव इन रिलेशनशिप में लोग रह सकते हैं, और रहते हैं तो कैसे रहते हैं, अच्छा था वो सब भी। 18 नंबर पे मैं फुकरे को रखूँगा। एटीन नंबर पे मैं फुकरे को रखना चाहूँगा। फुकरे बहुत अच्छी रियल मूवी थी, चार लड़कों की बहुत अच्छी कहानी लगी मुझे, बहुत देखने बहुत मज़ा आया, बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी थी और बहुत ही अच्छी कॉमेडी थी उसमें, बहुत ही मज़ा आया था वो देख कर। 17 नंबर पे मैं रखूँगा अपने संजय लीला बंसाली की मास्टरपीस एपिक मूवी गोलियों की रासलीला, रामलीला, तो बहुत अच्छी पिक्चर थी वो भी। और जिस टाइप से सेट्स, कॉस्ट्यूम्स, गाने, रोमांस, डायरेक्शन, डायलॉग सब कुछ था, बड़ा अच्छा मेमोरेबल था और एक अलग ही समा बांधा था उस मूवी ने भी, तो 17 नंबर पे वो। 16 नंबर पे शाहिद मूवी को रखूँगा, जो हंसल मेहता की कमबैक मूवी है। हंसल मेहता ने शाहिद आजमी की लाइफ के ऊपर, बहुत एक लॉयर के ऊपर एक छोटी फिल्म शाहिद शाहिद बनाई, बहुत अच्छी, एक्सेलेंट, ब्रिलियंट मूवी, दिल को छूने वाली, बहुत रियल फिल्म है, रियल स्टोरी पे बेस्ड है, जिसमें राजकुमार यादव की बहुत अच्छी एक्टिंग है, रियल एक्टिंग है, शाहिद बहुत अच्छी पिक्चर है, तो 16 पे वो। 15 पे क्रिश 3, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म है क्रिश 3, बेस्ट सुपर हीरो मूवी है, जितना उसमें VFX हैं, बड़ा स्केल है, ये सब कुछ लाना बच्चों के लिए, सब कुछ करना, राकेश रोशन की मेहनत और उनकी विजन और उनकी परफेक्शन दिखती है। क्रिश 3 बहुत एंटरटेनिंग मूवी थी बच्चों के लिए भी और ओवरऑल भी, तो 15 नंबर पर मैं उसको रखूँगा क्योंकि बहुत हार्डवर्क किया उस मूवी में। नंबर 14 पे मैं रखूँगा आशिकी 2 को। आशिकी 2 बेस्ट रोमांटिक फिल्म है पिछले साल की, 2013 की, और आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की जो एक्टिंग है मेमोरेबल है, बेस्ट डायरेक्शन है मोहित सूरी का, और दिल को छूने वाली लव स्टोरी है, मेमोरेबल गाने हैं, आशिकी 2 बहुत पिक्चर अच्छी है, ओवरऑल सुपर हिट हुई है। तो वो 13 नंबर पर मैं रखूँगा एक छोटी अलग फिल्म जॉली LLB, जो कि इंडियन कोर्ट केसेस कैसे होते हैं फिल्मों में, बड़ा फिल्मी तरीके से दिखाते हैं, इसमें बड़ा रियल तरीके से दिखाया है, कैसे जज बोलता है, कैसे आपस में लड़ते हैं लॉयर्स, तो तीनों की परफॉर्मेंस, अक्षत बोमन और सौरभ की, बहुत ही अच्छी थी, मेमोरेबल थी। और सुभाष गुप्ता का डायरेक्शन जॉली LLB में बहुत ही उम्दा था, तो जॉली LLB को रखूँगा मैं, क्योंकि पिक्चर ने शुरू से लेकर आखिरी तक एंटरटेन करा है, बहुत ही बढ़िया फिल्म थी। नंबर 12 पे मैं रखूँगा ये जवानी है दीवानी, बहुत ये कमर्शियल ब्लॉकबस्टर जैसी, करण जौहर के छाप पूरा था इस पिक्चर में, जैसी होती हैं पिक्चरें रोमांटिक कॉमेडी, और ये फिल्में बनाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा लगता है बहुत आसान है, पर यही सबसे मुश्किल होता है आई थिंक, बनाना, लोगों को बांध के रखना। इसमें जो गाने थे, ग्लॉस था, रणबीर कपूर, दीपिका, कल्कि, आदित्य रॉय कपूर, आयन मुखर्जी का डायरेक्शन, करण जौहर का प्रोडक्शन, तो ये जवानी दीवानी तो ट्रू ब्लू ब्लॉकबस्टर मूवी है पिछले साल की, तो उसको रखूँगा 12 पे। 11 नंबर में रखूँगा अटैक्स ऑफ 26/11, राम गोपाल वर्मा की मूवी, तो अटैक्स ऑफ 26/11 काफ़ी लोगों ने देखी नहीं, पर देखनी चाहिए, बहुत रियल थी, ऐसा लगा कि सब कुछ हमारे सामने घट रहा है, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट क्लास डायरेक्शन था राम गोपाल वर्मा का, नाना की एक्टिंग, कसाब की एक्टिंग, सब कुछ बहुत रियल लगा और एकदम दिल को हिलाने वाली मूवी लगी अटैक्स ऑफ 26/11, जरूर देखिएगा, स्पेशली फॉर द सेकेंड हाफ, जो कसाब का मोनोलॉग है और जो नाना पाटेकर का मोनोलॉग है, वो बहुत यादगार है और बहुत ही ब्रिलियंट पीस ऑफ सिनेमा है वो। नंबर 10 पे रखूँगा मेरे फेवरेट डायरेक्टर डेविड धवन की कमबैक मूवी चश्मे बहादुर। मैं बहुत खुश हूँ उन्होंने ये मूवी बनाई और हिट हुई है मूवी उनके लिए। चश्मे बहादुर बहुत ही शुरू से लेकर आखिरी तक पंचेस, गैग्स, कॉमेडी, हिलेरियस सिचुएशंस, गाने, एक्टिंग, परफॉर्मेंस, टाइमिंग, बहुत ही बढ़िया चश्मे बहादुर, फन लविंग टाइम पास मूवी लगी मुझे। नंबर 9 पे मैं रखूँगा बंदूक को। बंदूक आदित्य ओम की मूवी है, जो कि गैंग्स ऑफ वासेपुर पर भी भारी पड़ती है, अगर कंटेंट और बोल्डनेस और गाली गलौज देखी जाए तो गैंग्स ऑफ वासेपुर भी समय छोटी लगेगी, तो बंदूक फिल्म 9 पे रखूँगा। तो ये भी क्राइम फिल्म है, जरूर नॉर्थ इंडिया के बेस्ड है, ये देखने लायक मूवी है, जो सिनेमा के लवर जन के लिए, वीक हार्टेड के लिए नहीं है, बहुत अच्छी पिक्चर लगी। नंबर 8 में रखूँगा स्पेशल 26 को, जो कि बहुत अच्छी पिक्चर थी, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, नीरज गुप्ता, मनोज बाजपेयी की, जो कि कैसे ये लोग चोरी करते थे, पीरियड फिल्म थी ये भी, रियल स्टोरी पर बेस्ड थी, बेस्ट फिल्म थी, स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी,
पिक्चर और अच्छी बन सकती थी, पर फिर भी 8 पे मैं इस पर रखूंगा। 7 नंबर पे मैं प्यार का पंचनामा के डायरेक्टर की आकाश वानी मूवी रखूंगा, वो मुझे बहुत अच्छी रोमांटिक पिक्चर लगी। रोमांटिक के साथ साथ उसमें एक सोशल मैरिटल कॉस्ट जो है, सोशल कॉस्ट को भी उन्होंने टच करा है, मैरिटल रेप जो होता है, मैरिटल रेप को बहुत अच्छे से दिखाया है, बारीकी से सेंसिटिविटी से दिखाया है। तो पिक्चर में सिर्फ रोमांस और कॉमेडी नहीं थी, गहराई भी थी। तो पर प्यार का पंचनामा वाला डायरेक्टर इतना अच्छा शिफ्ट कर रहा है, अपनी सेकंड मूवी इतनी बढ़िया बना रहा है, तो आकाशवाणी मुझे बहुत अच्छी लगी। 6 पे मैं रखूँगा 2 पिक्चरों को, बॉस को और क्लब 60 को। बॉस तो मेरे फेवरेट अक्षय कुमार की है ही, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी पिक्चर। उनमें जो एक एक डायलॉग थे, अपने को क्या, अपने को तो बस पानी निकालना है, और ये सब चीज़ें जो भी अक्षय कुमार की चीज़ें थी, और अक्षय कुमार की स्क्रीन प्रेजेंस, स्टार प्रेजेंस, उनको देख के बहुत मज़ा आया। पिक्चर में बहुत कॉमेडी थी, एंटरटेनिंग मूवी थी वो। और क्लब 60 जो कि सारे बूढ़े लोगों ने, जिन्होंने सतीश शाह, फारूक शेख, रघुवीर यादव, इन लोगों ने एक्टिंग करी है सारी का, ये बहुत अच्छी स्मॉल फिल्म है, दिल को छूने वाली, हाईली रिकमेंडेड मूवी है। आप देखिए, आपको ये ज़िंदगी में जीना सिखा देगी, और ये कभी मिस करनी नहीं चाहिए ऐसी पिक्चरें। क्लब 60 भी बहुत अच्छी पिक्चर है। और नंबर 5 पे मैं रखूँगा लंच बॉक्स को, ये मेरी फेवरेट फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत सिंपल फिल्म है, मुझे सिंपल फिल्में बहुत पसंद है। तो इस पिक्चर ने जिस सिंपलिसिटी से रिलेशनशिप्स को दिखाया है, इरफान और निमरत कौर के और नवाजुद्दीन के भी, बहुत अच्छी लगी मुझे लंच बॉक्स। इसको ऑस्कर में जाना चाहिए था आई थिंक, ये शायद आगे जाती है, ऑस्कर जीत भी सकती थी। तो ये लंच बॉक्स आप 5 पे रखूँगा। और नंबर 4 पे मैं रखूँगा भाग मिल्खा भाग को, जो कि बहुत ही बढ़िया बायोपिक बनाई है मिल्खा सिंह की लाइफ पे, राकेश ओम प्रकाश मेहरा और फरहान अख्तर लोगों ने। ये जरूर देखने लायक मूवी थी, और भाग मिल्खा भाग इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बायोपिक है। और जो पूरी लाइफ दिखा दी उन्होंने भाग मिल्खा भाग में, मिल्खा सिंह की देखते ही बनती थी बहुत ही, जो दोनों कोचेस के रोल थे, लव लाइफ थी, सब कुछ, उनकी कम्पिटिटिव स्पिरिट, अप्स एंड डाउन्स, हर चीज़ दिल को छूने वाली थी, बहुत ही अटेंशन ग्रैबिंग स्टोरी थी, बांध के रखने वाला नैरेटिव था, और नॉन लीनियर नैरेटिव था, फ्लैशबैक आना था, बहुत अच्छी क्लास मूवी थी, भी बहुत अच्छी पिक्चर थी। नंबर 3 पे मैं रखूँगा सारे जहाँ से महंगा को, बहुत ही छोटी फिल्म है, इसमें थे दो लोग, जाकिर हुसैन और संजय मिश्रा, लोगों ने कम देखी होगी पिक्चर, फ्लॉप हो गई थी, पर बहुत अच्छी पिक्चर है, महंगाई के ऊपर, इंडिया में बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर सटायर था ये, अंशुल शर्मा जो डेब्यू डायरेक्टर थे उन्होंने बनाई थी। तो ये एक तो अच्छी परफॉर्मेंस है ही, संजय मिश्रा और जाकिर हुसैन तो ब्रिलियंट एक्टर हैं, अच्छी परफॉर्मेंस हमेशा देते ही हैं, लेकिन पिक्चर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सटायर है, देखने लायक है, बहुत कॉमेडी है, बहुत ही सिंपल फिल्म है, और आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहेगा ये मूवी देखते वक्त। नंबर 2 पे मैं रखूँगा मेरे फेवरेट जॉनर क्राइम अंडरवर्ल्ड जॉनर की फिल्म सत्या 2, मेरे फेवरेट डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा की तरफ से। सत्या 2 भी फ्लॉप हो गई, लेकिन देखने लायक मूवी है, बहुत इंटेंस है, डार्क है, डीप है, और बहुत ही एंटरटेनिंग है। और कैसे अंडरवर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए पुलिस भी अंडरवर्ल्ड बन जाती है, ये सब सेकंड हाफ में इन दोनों अंडरवर्ल्ड और पुलिस की लड़ाई जो दिखाई है, और भी डायलॉग्स मेमोरेबल हैं, एक्टिंग अच्छी है, बहुत अच्छा डायरेक्शन है, क्लास डायरेक्शन है, कुछ कुछ सीनों में तो इतना क्लास डायरेक्शन लगा कि हॉलीवुड लेवल का लगा। तो सत्या 2 मेरी सेकंड नंबर की फेवरेट फिल्म है। नंबर 1 पे मैं रखूँगा मेरी फेवरेट फिल्म शूट आउट एट वडाला, जो कि फिर से शूट आउट एट वडाला के ऊपर रियल स्टोरी पे बेस है, इसमें अनिल कपूर, सब लोग थे, जॉन, मनोज वाजपेयी, सोनू सूद, संजय गुप्ता का ब्रिलियंट कमबैक था, कंगना रनौत, और शूट आउट एट वडाला में सब कुछ था, सनी लियोन के गाने, आइटम मसाला, सोफी के गाने, सब कुछ था, मतलब रियलिस्टिक बायोपिक मसाला मूवी, एक्टिंग हो, लव जो भी चीज़ मांगो, लव, रोमांस, गाना, ऐसी कोई चीज़ मसाला छोड़ा नहीं एकता कपूर और संजय गुप्ता ने, जो उस पिक्चर में नहीं था। तो मेमोरेबल फिल्म थी इस जॉनर की, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर शूट आउट्स फ्रॉम संजय गुप्ता। और एकदम इस पिक्चर ने अपने आप को रोका नहीं, अगर गाली जहाँ देनी तो देनी है, ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ को रोक लिया। तो जो भी इस पिक्चर में रियल था, रियलिटी से सब कुछ दिखाया गया, बहुत ही इंटेंस परफॉर्मेंस थे, और बहुत ही स्क्रिप्ट बड़ी ज़ोरदार थी, और बहुत कुछ होता रहा इसमें, तुषार कपूर ने भी इतनी अच्छी एक्टिंग करी जिससे मुझे उम्मीद नहीं थी। तो सभी लोगों का जो टीम वर्क था बहुत अच्छा था। शूट आउट वडाला नंबर 1 पे रखूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।